प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को विभिन्न मंत्रालय और विभाग के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुए चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जबलपुर दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा बेहद अहम है। माना जा रहा है कि अमित शाह जबलपुर दौरे के दौरान आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा एक बार फिर 18 सितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। इसके एक दिन पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया था। झारखंड सरकार के धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोले जाने के बाद राज्य में मंदिरों के कपाट खुलने लगे हैं। देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री को लेकर संशय खत्म हो गया है। ई पास के लिए वेबसाइट लिंक जारी कर दिया गया है। इससे शनिवार से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। झारखंड आरजेडी में जान फूंकने को 18 सितंबर को रांची आएंगे तेजस्वी यादव। सम्मेलन में सभी जिलों के कार्यकर्ता होंगे शामिल। तेजस्वी यादव का रांची में भव्य स्वागत होगा। इसके लिए महापुरुषों के नाम पर 31 तोरण द्वार बनाया जा रहा है। IRCTC देश में पहली बार लग्जरी क्रूज लाइनर शुरू करने जा रही है। इसकी बुकिंग 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है। भारतीय रेलवे अपनी तरह की पहली सेवा होगी। IRCTC जैसे देश में अलग अलग पर्यटक स्थलों के लिए लोगों को सफर कराने के लिए ट्रेन की सेवा देता था, वैसी ही सेवा अब क्रूज लाइनर से दी जाएगी। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम 18 सितंबर से होगा शुरू। पुण्यतिथि पर 24 सितंबर को गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय चैक बाजार महाराजगंज के परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी होंगे।